नमस्कार दोस्तों, और टैक्स लामा चैनल के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एनपीएस के बारे में, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, और वहाँ पास हमने कुछ बेनिफिट्स डिस्कस किए थे, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये डिस्कशन किया था। वहाँ पास सभी बातों में हमने ये भी बताया था कि वहाँ पास आपको लगभग 8-10% का एवरेज रिटर्न देखने मिलता है, इंटरेस्ट देखने मिलता है, लेकिन वो फिक्स नहीं रहता है, कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। अब यहाँ पास सवाल ये है कि क्या कोई इंडिया में ऐसा गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें फिक्स इंटरेस्ट मिले और उसमें ज़्यादा रिस्क भी ना हो, जिस तरह से आपको रिस्क देखने मिलता है एनपीएस में। तो जी हाँ, यहाँ पास एक और स्कीम है पीपीएफ, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी फंड का डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब पीपीएफ क्या है, इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स आपको देखने मिलते हैं, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इन सारे सवालों पर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए। चलिए करते हैं शुरुआत और समझते हैं पीपीएफ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो को मिस ना कर पाएं। चलिए करते हैं शुरुआत और समझते हैं पीपीएफ को। दोस्तों, पीपीएफ स्कीम में सरकार ना केवल आपको बढ़िया ब्याज देती है, बल्कि टैक्स में भी आपको बहुत सारे छूट या बहुत सारे बेनिफिट्स देखने मिलते हैं। यहाँ एफडी अकाउंट के मुकाबले इसमें पैसा ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पास एफडी से ज़्यादा आपको रिटर्न्स देखने मिलते हैं, और आपको इसमें एक बार में पैसा भी जमा नहीं करना पड़ता। आप अगर चाहे तो इसमें 50-50 रुपए हर महीना करके भी इस खाते में आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पास आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने मिलते हैं इस खाते के, मतलब पीपीएफ अकाउंट के। दोस्तों, पीपीएफ का पूरा नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, हिंदी में इसको लोक भविष्य निधि कहते हैं। दोस्तों, यह स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया था जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यहाँ पास आपको ईपीएफ या पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पास ईपीएफ या पेंशन में आपको आपके सैलरी का एक फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पास आपको वैसा कोई नियम नहीं देखने मिलता है, क्योंकि यह केवल असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें अपनी कम आमदनी में भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करने का मौका मिले और कुछ बड़ा रकम इकट्ठा करने में मदद मिले। हालांकि अब कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, यहां तक कि अब बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में सिर्फ 500 रुपये जमा करके आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद हर साल कम से कम 500 रुपये या अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। 15 साल तक यह अकाउंट चलता रहता है, लेकिन कुछ जरूरी होने पर आप चाहे तो बीच में अपने पैसे को निकाल सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं इस पीपीएफ अकाउंट की मदद से। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से लोग यहाँ पास अकाउंट खुलवा सकते हैं पीपीएफ में। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पास कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, या फिर कोई सर्विसमैन हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर कोई किसान हो। यहाँ पास कोई भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है और इसका फायदा उठा सकता है। यहाँ एज का कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि जिस तरह से आपको एनपीएस में या फिर ईपीएफ में या पेंशन में कुछ एज क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से यहाँ पास कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी इसमें अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वो कितना भी एज का हो। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पास एनआरआई और एचयूएफ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप भारत में रहते हुए अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप आगे 15 साल तक इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और जैसे ही आपका यहाँ पास 15 साल हो जाता है तो आपको आपके पीपीएफ अकाउंट से तुरंत ही पैसा निकलवा लेना पड़ेगा, नहीं तो इसके बाद आपका जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पास एचयूएफ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, भी पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकती है। दोस्तों, यहाँ पास प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है? तो नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। यहाँ पास अगर आपका एक कोई पर्सनल अकाउंट है तो उसके बाद आप कोई जॉइंट अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपका यहाँ पास दूसरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। पर इसके अलावा यहाँ पास आप एक ही करके सभी के नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे आप अपने नाम पर, अपने बच्चे के नाम पर, या फिर अपने माता पिता के नाम पर भी एक एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पास कम से कम कितना डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा और अधिक से अधिक आप इसमें कितना डिपॉजिट दे सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट में हर साल कम से कम आपको 500 रुपये जमा करना जरूरी है,
जबकि एक साल के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पास 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस लिमिट के अंतर्गत आप चाहे तो एक बार में इतना पैसा आप कर सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके आप अपने हिसाब से यहाँ जमा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जमा यहाँ पास 50 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप चाहे तो कितना भी जमा कर सकते हैं जो कि 50 से डिवाइडेबल हो। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे कि अगर आप यहाँ पास मिनिमम राशि जमा नहीं करते हैं तो आपका ऊपर यहाँ पास पेनल्टी भी लगता है। मतलब अगर आप किसी साल अपने PPF अकाउंट में कम से कम 500 रुपए जमा नहीं करते हैं तो आपके PPF अकाउंट को यहाँ पास डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसे दोबारा चालू करने के लिए आप जितना साल छूटा है यहाँ पास हर साल के लिए 500 रुपए जमा करने पड़ेंगे, और इसके अलावा हर साल के मतलब जितना साल का आपको देरी हुआ है हर साल के लिए आपको 50 रुपए पेनल्टी अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पास आपका खाता फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट होगा उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों अब सवाल आता है कि साल में आप इसमें कितने बार पैसा जमा कर सकते हैं। तो कुछ साल पहले तक PPF अकाउंट में ये मतलब प्रतिबंध था कि आप साल में केवल 12 बार ही पैसा जमा कर सकते हैं, मतलब हर महीने एक बार आप इस अकाउंट में पैसा जमा कर सकते थे। लेकिन 2019 में सरकार ने इस नियम में छूट दे दी। अब आप PPF अकाउंट में चाहे जितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको कम से कम 50 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि PPF अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि क्या है। तो PPF अकाउंट में पैसा 15 साल तक जमा करना होता है। 15 साल पूरे होने के बाद आप ब्याज के साथ अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इस 15 साल की अवधि के दौरान आपको हर साल पैसा जमा करना होता है। हाँ, मैच्योरिटी के बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पास इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ पास आपका जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं या फिर उस समय पैसा निकाल सकते हैं। मतलब कि 15 साल पूरे होते ही आपके दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप चाहे तो पैसा उसी समय निकाल सकते हैं या तो उसको 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। और इस एक्सटेंशन के दौरान आपका जो ब्याज पहले मिलता था उसी हिसाब से आपको आगे 5 साल भी इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको PPF में जो ब्याज का दर है मतलब इंटरेस्ट है कितना मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी PPF अकाउंट में आपको 7.1 की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे सरकार हर 3 महीने में PPF अकाउंट सहित सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज दर की समीक्षा करती है और नए ब्याज दर की घोषणा करती है, पर यहाँ पास ऑन एन एवरेज आपको 7.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने मिलता है PPF अकाउंट पर। दोस्तों इन सारे बेनिफिट्स के अलावा यहाँ पास आपको टैक्स में भी छूट मिलता है, मतलब टैक्स एग्जेम्पशन भी देखने मिलता है। PPF सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी स्कीम है और सरकार इस योजना पर आपको कई तरह की टैक्स बेनिफिट्स देती है, जैसे कि आपका जो टोटल यहाँ पास डिपॉजिट होगा वो आपका टैक्स स्लैब में काउंट नहीं होगा, मतलब आपका टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होगा, उसको टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन 80C के तहत आप हर साल जितना भी रकम PPF में जमा करते हैं उतना रकम आपका टैक्सेबल इनकम से घटा दी जाती है। इस तरह से PPF आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा देता है और इस तरह से आप लगभग 1.5 लाख तक के इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पास दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। PPF खाते में जमा रकम पर आप हर साल ब्याज पाते हैं, लेकिन इस ब्याज पर भी आपको सालाना टैक्स इनकम नहीं देना पड़ता है, मतलब कि PPF पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पास थर्ड बेनिफिट की बात करें तो मैच्योरिटी रकम भी जो आपको मिलती है वो भी टैक्स फ्री है, मतलब PPF खाता मैच्योर होने के बाद जब भी आप पैसा निकालते हैं तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाती है। दोस्तों टैक्स बेनिफिट्स के अलावा यहाँ पास आपको बहुत सारे लोन्स के भी बेनिफिट्स देखने मिलते हैं PPF अकाउंट पर या फिर PPF डिपॉजिट पर। यहाँ पास सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको PPF अकाउंट के लिए जो आपको लोन पर ब्याज मिलता है काफी कम मिलता है, मतलब आपको बस PPF अकाउंट की दर से 1% ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। मतलब समझिए यहाँ पास अगर आपको 7% से इंटरेस्ट मिल रहा है PPF अकाउंट से तो आपका यहाँ पास इंटरेस्ट जो लगेगा लोन पर 8% का होगा, मतलब कि केवल 1% ज्यादा। इसके अलावा यहाँ पास PPF अकाउंट खुलवाने के बाद तीसरे साल से ही आप लोन की सुविधा ले सकते हैं। यहाँ पास पहले दूसरे साल के आपको लोन की सुविधा नहीं मिलती है, आप केवल 3 साल के बाद ही लोन की सुविधा ले सकते हैं। और PPF अकाउंट खुलवाने के बाद आपको यहाँ पास कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है, मतलब आपको यहाँ पास कुछ भी चीज गिरवी में नहीं रखना पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि PPF अकाउंट आप किस तरह से खुलवा सकते हैं या फिर कहाँ पास खुलवा सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई भी सरकारी बैंक है तो आप उस बैंक में PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पास सरकारी बैंक के अलावा भी कुछ
प्राइवेट बैंक है जो आपका पीपीएफ अकाउंट खुलती है, और इसके अलावा यहाँ पास आप पोस्ट ऑफिस ब्रांच में भी जा सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पास सबसे पहले आपको जो मिनिमम डिपॉजिट देना पड़ता है, कम से कम 500 का डिपॉजिट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है। तो सबसे पहले आपको पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए यहाँ फॉर्म 1 लगता है, जो कि आपको जो भी ब्रांच में जाते हैं, अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक से मिल जाएगा, या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस से उस फॉर्म को ले सकते हैं, और आपको उस फॉर्म को भर देना होगा। उस फॉर्म के साथ साथ आपको यहाँ पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, उसके अलावा यहाँ पास आपका आईडी प्रूफ लगेगा, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, और उसके अलावा यहाँ पास आपका एड्रेस प्रूफ लगता है। दोस्तों इसके अलावा बात करें कि कौन कौन से बैंक आपको पीपीएफ अकाउंट की सुविधा देते हैं, तो ये रहे कुछ बैंक के लिस्ट जो आपको पीपीएफ अकाउंट की सुविधा देते हैं, जिसमें से पहला है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरा आईसीआईसी बैंक। इसी तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको पीपीएफ अकाउंट की सुविधा देते हैं, और बैंक्स के नाम जानने हो तो आप सिंपली ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपका यहां पास कौन कौन से बैंक या फिर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है जो आपको पीपीएफ अकाउंट की सुविधा देता है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे आपके प्रश्न का और जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में ही। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।